वेलकम माय फ्रेंड, आप सभी मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनू, आज मैंने कहा आप सभी के लिए भाई सलार की ट्रेलर आ चुकी है, तो हम करने वाले सलार का आज रिव्यू। तो फ्रेंड, मूवी जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रही है जिस तरह ट्रेलर पे दिखाई जा रही है। एनिमल ने शुरुआत कर दी है दिसंबर के और एंड करने वाले हैं सलार। तो भाई मूवी में दो दोस्तों की कहानी दिखाएगी और सल्तनत की कहानी दिखाई जाएगी, कैसे सल्तनत को पाने के लिए क्रिमिनल इस मूवी पे सल्तनत को हथियाने के लिए कैसे गैंगस्टर पूरी तरह से हमला कर देते हैं। और हमारे पृथ्वीराज इस मूवी में राजा होने वाले हैं और सलार जो होते हैं प्रभास सर, इसमें उनके दोस्त रहने वाले हैं। तो पृथ्वीराज मतलब राजा मधनार कैसे हमारे देवा को बुलाने जाएंगे, मतलब सलार सर को बुलाने जाएंगे। और इस मूवी में यही एक्शन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जिस तरह मूवी कहानी दिखाई जा रही है, मूवी इक्वल और हाई इनक्रेडिबल दिखाई जा रही है भाई। लेकिन आपसे बता दूं फ्रेंड, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। फ्रेंड मूवी जबरदस्त धमाकेदार होने वाले, गुजबम हमें देखने को मिलेगी मूवी में। जिस तरह भाई मूवी में आपको लोकल क्रिमिनल नहीं दिखने वाले हैं, पूरी तरह से आर्मी दिखने वाले, और आर्मी कैसे सामना करने वाले हैं हमारे इस मूवी पे हमारे देवा मतलब सलार सर। तो मूवी कैसी होने वाली, हाई क्वालिटी एक्शन देखने को मिलेगी। जिस तरह केजीएफ मेकर ने इस मूवी को बना दिया है, क्या ही मूवी बनाई भाई। इस मूवी कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी, जैसे सलार सर की पावर भाई, एक लोहे को पकड़ के छोड़ते हैं तो पूरी उनके हाथ के निशान पड़ जाते हैं उस जगह पे, क्या ही मतलब उनको कुछ ऐसे बात बताया जाता है जिनमें उन्हें पूरी तरह से गुस्सा आता है और वो लोहे के छोड़ते हैं तो भाई उनके हाथ के निशान पड़ जाते हैं। और वो एंड पे काली जैसे अवतार देखने को मिलती है, वाह क्या ही अवतार, मैंने पावर अप पूरी तरह से भाई गॉड लग रहे हैं इस मूवी पे। जिस तरह दोनों हाथों पर भाई कुल्हाड़ी पकड़े हुए हैं हमारे सलार सर, क्या ही भाई लुकिंग, दिस ग्रेट लुकिंग दिख रही है मूवी पे। तो फ्रेंड मूवी जबरदस्त होने वाली, जिस तरह मूवी को 400 करोड़ के बजट पे बनाई हुई हैं केजीएफ मेकर्स ने, तो भाई क्या ही अब मूवी में क्या हाई क्वालिटी। लेकिन लेकिन भाई कुछ मुझे डाउट लगे कि भाई कि केजीएफ चैप्टर से ये मूवी रिलेटेड नहीं है, तो भाई अब रहने तो जैसे भी है, मूवी दूसरी पार्ट भी आएगी क्योंकि पहली पार्ट की ये टेलर है भाई। तो दूसरी पार्ट भी आएगी, दूसरी पार्ट में क्या होने वाली है ये कोई नहीं जानता भाई। अब केजी मेकर से क्या बनाया है अब ये मूवी देखने के बाद ही पता चले, क्या पता एंड में क्या हो सकती है ये कोई भी नहीं बोल सकता। हेमवाला यूनिवर्स ऐसे ही करते हैं भाई, क्योंकि इनकी कहानी अलग ही देखने को मिलती है हम सभी को। तो मूवी एडिटिंग वीएफएक्स सारे सारे सुपर हिट है भाई, लेकिन जिस तरह मूवी में दिखाया जा रहा है लोकल आर्मी नहीं है इस मूवी पे, हमें पुराने ज़माने के ख्याल के इस मूवी में विलन भी देखने को मिलेंगे शुरुआती ऐसा लग रहा है। और जो पृथ्वीराज होते हैं वो इस मूवी में राजा हैं और उनकी सल्तनत को कैसे बचाएंगे हमारे सलार सर, और पूरी तरह से एक्शन देखने के लिए मतलब पृथ्वीराज को पूरी तरह से राजा मद्धार को पूरी तरह से जो पूरी दुनिया है उनको चाहिए इस तरह मूवी में लग रही है। जिस तरह केजीएफ चैप्टर में यश भैया चाहते थे पूरी दुनिया को हथियाना, उस तरह इस मूवी में भी लग रही है भाई। लेकिन कांसार जैसे एक छोटी सी गाँव होती है और वो कैसे सिटी ऑफ कांसार में बदल जाती है ये देखने को मिलेंगे आप सभी को मूवी। मतलब हाई क्वालिटी एकदम हॉलीवुड कैरेक्टर की होने वाली है जिस तरह दिखाई जा रही है आप सभी को। लेकिन लेकिन भाई टेलर पे भाई 3 मिनट 47 सेकंड की टेलर है, जिसपे भाई 2 मिनट 10 सेकंड भी हमारे प्रभास सर की एंट्री नहीं होती है। एंट्री होती है खाली 1 मिनट 37 सेकंड में एंट्री होती है, और उस 1 मिनट 37 सेकंड में पूरी तरह से तबाही होती है, गुजबम देखने को मिलती है हम सभी को। जिस तरह मूवी में दिखाई जा रही है भाई एक्शन, क्या ही एक्शन है भाई, पैर को काट देना, उन काली वाले रूप को दिखाना, और जो डायलॉग बोलते हैं प्लीज रिक्वेस्ट, क्या ही लग रही है भाई सरार। मतलब पूरी जो है ना आदिपुरुष ने फ्लॉप की है, पूरी बजट निकालने वाले हैं इस मूवी में भाई। जिस तरह प्रभास सर इस मूवी में कास्टिंग एक्टिंग की है, क्या ही एक्टिंग की है भाई। और पृथ्वीराज ने भी मस्त एक्टिंग की है, और हमारे श्रुति हसन को थोड़ी सी कैमियो दिखाई जा रही है, जिस तरह वो एक गाड़ी पे बैठे हुए हैं थोड़ी सी, लेकिन वो किसी चीज़ को देख के ऐसा लग रहा है शौक हो चुके हैं देख के, मतलब प्रभास सर शायद फाइटिंग कर रहे हैं इसलिए शौक हो चुके हैं, ऐसे दिखने को मिल रही है हम सभी को। और फ्रेंड जगपत बाबू इस मूवी में राजा होने हैं, जो पृथ्वीराज के पिताजी होने वाले हैं इस मूवी में। मूवी बहुत ही अच्छी होने, प्रसाद ने क्या ही मूवी बना दी भाई। लेकिन नहीं रिलीज जल्दी हो रही 22 तारीख को भाई, तो 22 तारीख को होने वाली तबाही गुजबम देखने को मिली हम सभी, इनक्रेडिबल होने वाली फाइट इस मूवी में भाई। हेमवाला यूनिवर्स इज दिस ग्रेट फॉर मी मूवी। जिस तरह भी कांतारा 2 की भाई इन्होंने की थी टीजर रिलीज भाई, हेमवाला यूनिवर्स क्या चाहती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये मूवी बहुत ही जबरदस्त होने वाला, 400 करोड़ के बजट में जो मूवी बनाई ना पूरी तरह से दिख रही है भाई टेलर पे सच में भाई। तो मूवी बहुत ही जबरदस्त होने, तो आप फ्रेंड आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय जय भारत, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।